कानपुर में सहारा इंडिया कंपनी ने लोगों के पैसे का इन्वेस्ट कराया था, अब वो कंपनी बंद हो गई है। ऐसे में जिले भर की बड़ी संख्या के जो महिला पुरुष थे वो यहाँ कलेक्ट्रेट में पहुंचे थे, जनसुनवाई पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कलेक्टर भव्य मित्तल से अपनी मांग की है कि उनका इन्वेस्ट था, उनकी गाड़ी पसीने की कमाई थी, वो इस कंपनी में इन्वेस्ट थी। अब इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है, शादी का संकट आ गया है, पढ़ाई का संकट आ गया है। ऐसे में करीब 500 से अधिक लोग कलेक्ट्रेट में पहुंचे थे और इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। ये कंपनी जो है ये सुब्रत राय की थी, फिलहाल वो है नहीं, लेकिन लोगों के सामने परेशानी आ गई। आपको सुनिए क्या कहा इन्वेस्ट करने वाले लोगों ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देख रहे हैं उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। 10,000 की एफडी बनाई थी जो की 2014 में रखे गए थे और मैच्योर तारीख उसकी फरवरी 2020 में मैच्योर हो गई है। आज 4 साल हो गए फिर भी मुझे मेरा 1 रुपया मिला नहीं है। आपको कितने रुपए मिलना था? 5 लाख के। सर एफडी के अकॉर्डिंग तो मेरे 11 लाख 12 लाख के समथिंग होते हैं। अभी मूलधन भी नहीं मिल रहा। सर मूलधन तो छोड़िए, ना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रही, ना कोई फोन उठाता है, ना एजेंट है, ना कोई ऑफिस है। सर हम जाए तो कहाँ जाए? ये पैसे से क्या करने वाले थे आप? सर मेरी बच्ची को पढ़ाना चाहती थी मैं और उनकी शादी, मेरी बेटी की उम्र 23 साल है, एक बेटी 21 साल की, मेरी 2 बेटियां हैं जिनकी एजुकेशन के लिए मैंने पैसा रखा था। एजुकेशन और शादी नहीं हुई? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। एप्लीकेशन करवा लिया? जी हाँ, मेरी बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि इंदौर में जॉब करती है। आपका नाम? मेरा नाम चंदा शाह है, मैं माजनापेट निवासी हूँ। सर मैं दिनेश मोहन पाटिल, सिरपुर निवासी, ब्रानपुर जिले के सभी भाई बहनों ने सहारा इंडिया कंपनी में अपना रुपया जमा किया था। करीब 10 साल से उनका खाता जो है वो मैच्योर हो चुका है, एफडी पक चुकी है, लेकिन आज दिन तक 1 रुपया भी उनके खाते में नहीं दिया। सहारा एजेंट को हम बार बार निवेदन करते हैं कि भैया हमने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है और आपके पास में डेली कलेक्शन दिया तो हमको हमारा रुपया दो। उनका कहना पड़ रहा है कि हमने सहारा इंडिया कंपनी में ये पैसा जमा कर दिया है और सहारा इंडिया कंपनी को सरकार के अधीन हो गई है। अब हम यहाँ कलेक्टर महोदय को माध्यम से, मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं कि हम सब गरीब लोगों को हमारा पैसा दिलाया जाए, हमको न्याय दिलाया जाए, क्योंकि हमने, किसी ने अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसा जमा किया था, किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा किया था, लेकिन सब उसकी मेहनत पे पानी फिर गया है। तो हम जाए तो कहाँ जाए, इसलिए भोपाल दिल्ली तो हम जा नहीं सकते, इसलिए कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम ये सभी गरीब परिवार के लोग जो हमारे साथ में आए हुए, मेरे साथ में आए हुए है, इनका कहना है कि हमें न्याय दिलाए, हमें पैसा दिलाए। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? करीब ब्रानपुर जिले के लाखों लोग हैं और करोड़ों में उनका पैसा जमा हुआ है। आपका नाम? मैं दिनेश मोहन पाटिल, सिरपुर जिला ब्रानपुर। हमारे खून पसीने की कमाई वापस दो, वापस दो। अपने पैसों में पैसा कमाया हुआ यहाँ तक हमारा जैसा कैसा हो, जैसा हो आवाज चलावा रे। ठीक है, निकलो। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।